Well, hey guys, welcome to our YouTube channel, Abhisha Vlogs. Woo! So, guys, आज फिर हम Q&A लेके आए हैं और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाले हैं और जो सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है कि प्लीज बताओ ना, प्लीज बताओ, आर यू गाइस dating? Are you guys in a relationship? This week की शादी होगी या नहीं होगी? अभिषा की शादी होगी या नहीं होगी? तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, पर जो आप लोग सोच रहे हो क्या पता वो सही हो, पर आप क्या सोच रहे हो आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो आज हम काफी सारे एक्साइटिंग क्वेश्चंस उठाएंगे रादर देन हम दोनों के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम दोनों के क्वेश्चन पे आंसर करेंगे, कुछ अगर हमें एक्साइटिंग लगेगा तो वो क्वेश्चंस भी पिक करके हम उनके आंसर देंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्साइटेड हूं देखने के लिए क्या-क्या क्वेश्चंस आए हैं। हां, मैं भी, चलो। और एक क्वेश्चन तो पक्का भर के आया होगा और वो उसका आंसर क्या पता मैं शायद दे दूं, क्योंकि मैं देना चाहता हूं। नहीं नहीं प्लीज, पर ये मना कर देती है तो मैं इसलिए दे नहीं पाता हूं, तो चलो, पर मैं दे सकता हूं। चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो गाइस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अभिषा कैसे स्टार्ट हुआ और इसका इनिशिएटिव किसने लिया पहले? तो ये मैडम जी, तो इसको तो पता ही नहीं था YouTube के बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको इतनी सी भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में। और मैं इसको बोलने से इसलिए थोड़ा वो हो रहा था YouTube के बारे में कि पता नहीं करेगी या नहीं करेगी। हमेशा से इतना मुझे, I don't have knowledge about YouTube, Instagram के बारे में तो फिर भी हाँ, because I'm active there, but YouTube के लिए वहाँ भी active नहीं है, इसको बोल-बोल के चीजें करवानी पड़ती हैं। तो बट क्या था अभिषा के बारे में कि मैंने इसको बोला, मैंने कहा चलो यूट्यूब चैनल साथ में स्टार्ट करते हैं, मतलब अभिषा का कोई वो नहीं था, बट मैंने इसको एक चीज बोली थी, मैंने कहा अभिषा की जगह ईशा भी रखते हैं, क्योंकि ईशा का नाम मैं पहले रखना चाहता था, अपना बाद में रखना चाहता था, पर इसने बोला अभिषा ज्यादा क्यूट है, तो इसलिए हमने अभिषा रखा। और मैंने इनिशिएटिव लिया था, मैंने इसको बोला था कि चलो बनाते हैं, और ज्यादातर व्लॉग्स के टॉपिक्स मेरे ही होते हैं। हाँ, ये तो एक्चुअली बहुत मेहनत करता है, जैसे मैंने एक अपने प्रीवियस व्लॉग में भी बनाया कि ये एडिट पे भी सारा टाइम बैठे रहता है, कंटेंट भी सोचता रहता है, तो ये इज एक्चुअली, क्योंकि मैं, मेरे सीन्स कम होते हैं तो मैं वेला ज्यादा होता हूं, ये बेचारी सीन्स पे सीन्स लगी रहती है, तो फिर मेरे को थोड़ा सा काम करना पड़ता है। तो अभिषा मैंने स्टार्ट किया और मैंने ही इनिशिएटिव लिया और मैं ही बस मेहनत कर रहा हूं। वो तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको कैम्बली ऐप के बारे में बताना चाहते हैं, हमने एक्चुअली ईशा, क्योंकि इसको ज्यादा नॉलेज है तो यही बताएगी। हां गाइस, सो कैम्बली ऐप इज द ओनली ऐप इन इंडिया व्हिच प्रोवाइड्स वन ऑन वन इंग्लिश क्लासेस विद ट्यूटर्स फ्रॉम अमेरिका, यूके, यूएसए एंड कनाडा। इट इज वेरी यूजफुल फॉर दोज हु नोस हाउ टू रीड राइट बट स्ट्रगल इन स्पीकिंग इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। So you can choose from various courses like business English, IELTS, personality development, etc. So tutors on Cambly are very friendly and supportive, who will help you improve your weak areas without any judgment. Hi, how are you? What's your name? What's your name? Yes, one more thing guys, if you use our code Abhisha, you will get 25% off for any 3-month plan. So guys, download the Cambly app to start practicing one-on-one with your native English speaking tutor. Oh god, agla question ye hai ki Isha aur Jasmine, aap show mein hi itni chalak ho ya real mein bhi ho? ये इतना excited है इसका answer। ये भाई real में तो जैस्मिन से भी ज़्यादा चालाक है, but हाँ, जो जैस्मिन कर रही है कि वो ये नहीं कर सकती, ये loyal बहुत ज़्यादा है, इसके लिए तो मैं इसको हमेशा क्या बोलते हैं 1000% देने वाला हूँ। पर ये जो इतनी चालाक है भाई, इसको अगर ये झूठ बोलेगी कभी नहीं पकड़ी जाएगी। पहली बात तो मैं नहीं बोलती, झूठ बहुत बोलती है, और मेरे तो मैं तो क्यूट झूठ बोलती हूँ। क्यूट झूठ कोई नहीं होता है, क्यूट झूठ क्या होता है भाई, ये बिल्कुल जैस्मिन जैसी है कि किसी को कुछ पता नहीं लगने देगी, सब कुछ कर जाएगी, पता नहीं लगेगा। लेकिन मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, बट ऐसी सी है थोड़ी सी। नहीं हूँ मैं वैसी।
मैं बहुत क्यूट हूँ। और अमरीक है ना जैसा, मतलब बिल्कुल सीधा सा बना सकती है। ये क्वेश्चन आया होता तो मैं इसका आंसर दे पाती। खैर मैं तो अभी भी बोल ही सकती हूँ, ये भाई बिल्कुल ऑपोजिट है, ये नहीं इतना खतरनाक है भाई, मैं को बना सकती हूँ, ये इतना खतरनाक है। और ये बहुत चालू है, आपको ऐसे लगता है की इसको सब पता होता है, अंदर ही अंदर इसको सारी बातें पता होती है, पर दिखाता है ऐसे की मेरे को कुछ भी नहीं। ये मेरे को बेवकूफ बना सके, जैसे शो में मेरा बेवकूफ बना रही है, रियल में बेवकूफ तो नहीं बना रही, बट ये बना सकती है। मैं सो द थर्ड क्वेश्चन इज, जब कह रही मतलब ईशा जब नाराज हो जाती है तो मैं उसको कैसे मनाता हूँ। तो इसको मनाना इतना ज्यादा इजी है भाई, इतना ज्यादा इजी है, जितनी मर्जी नाराज हो इसको बस ऐसे करना, हंस क्यों रही हो। और ना मैं नाराज हूँ तो ये मेरे को एक चीज बोलेगा, ईशा तुम इतनी हंसी कंट्रोल करना कब से सीख गई। जो मैंने बोला जो अपने अंदर तुम्हारी हंसी है वो बाहर निकालो, क्यों कंट्रोल कर रही हो। जितना मर्जी गुस्सा होगा ये हंस पड़ती है, इसको मनाना बहुत इजी है, बहुत इजी। और मेरे को मनाना सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसको मनाना बहुत डिफिकल्ट है। इससे तो मैं मानता ही नहीं भाई, ये नहीं मना पाती। हाँ, मैं नहीं मना पाती, फिर मैं खुद भी गुस्सा हो जाती हूँ। हाँ सॉरी सॉरी, तो मैं गुस्सा। इसका मेन क्या है कि कैसे मनाती है ये, आएगी मेरे को मनाने, एफर्ट पुट करेगी, और मानूंगा ना, फिर पता क्या बोलेगी, ठीक है यार मैं जा रही हूँ, मत मेरे से बात करना। और फिर मेरे को लगता है यार नाराज हो गई चली गई, फिर मैं इसको मनाता हूँ, मतलब मेरे पे उल्टा पड़ जाता है यार। और इसका एक और नया चला है, ठीक है मैं खाना नहीं खाऊंगी, और फिर मेरे को पता भी होता है इसने खा तो लेना है, पर मेरे को ऐसे लगता है यार इसने क्यों बोल दिया, मेरे को इतना अजीब लगने लग जाता है कि यार मुझे कुछ भी बोलना होता है, ये मुझसे कितना मर्जी नाराज हो, ठीक है तो मैं तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता ना, मैं खाना खाऊं चाहे ना खाऊं, नहीं खाऊंगी। आज क्या हुआ, आज मैं थोड़ा सा, मेरे को फीवर था, और मैंने बोला यार मेरे को फीवर है, तो कहती कि ठीक है मेडिसिन ले लो, तो मेरे पास तो एक था, तो मैं बोला नहीं यार मैं तो मेडिसिन नहीं लूंगा, और मेरी हालत खराब, मैं कह रही हूं अरे प्लीज प्लीज प्लीज। मैं बोल रहा हूं देखूंगा सोचूंगा सेट पे आके कुछ कहूंगा, और मैंने इसे इतने काम करवाया ना दवाई से पहले, तो ये जल्दी मान जाती है। हां तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप के क्या रिव्यूज हैं फॉर द कैरेक्टर ऑफ जैस्मिन, और इतना ज्यादा नेगेटिव क्यों है जैस्मिन का कैरेक्टर। सो जैस्मिन का कैरेक्टर बेसिकली नेगेटिव नहीं है, वो जेन्युइनली फतेह से प्यार करती है इसलिए वो ये सब कर रही है। एंड सेकंड थिंग, ये जो भी हो रहा है मेरा हल्का सा भी जो भी नेगेटिव शेड आ रहा है तो वो स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग है, बट इन रियल लाइफ मैं उससे कम्प्लीटली डिफरेंट हूँ, तो इट्स ओके क्योंकि ये हमारा काम है, हम एक्टर्स हैं, तो जो भी हमें रोल दिया जाएगा वो हमको पूरी डेडिकेशन के साथ करना है। और अगर आप लोग इसको हेट कर रहे हो उस चीज के लिए, तो मैं इसको बोलता हूँ वाओ। हाँ करेक्ट, क्योंकि मेरा कैरेक्टर ही ऐसा है कि जब मेरे को हेट मिलेगा तब भी इसका मतलब है कि मुझे एप्रिसिएशन मिल रहा है हेट में, तो आई फील गुड व्हेन यू गाइस राइट बैड फॉर जैस्मिन बिकॉज़ यही कैरेक्टर है। व्हाट आर यू डूइंग, यही कैरेक्टर है और ऐसा ही है, बट इन रियल लाइफ तो यार इतनी स्वीट है, इतनी ज्यादा स्वीट है, बिल्कुल जैस्मिन के ऑपोजिट है, और बहुत क्यूट सी है, बहुत जल्दी चीज़ों की, और बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मैं थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता हूँ, बट शी इज द बेस्ट। सो गाइस ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी अच्छा है, क्योंकि ये हम दोनों को ही बहुत लोगों ने पूछा है कि आप लोग उडारिया को और अपने YouTube चैनल को और भी सोशल मीडिया से रिलेटेड चीजों को कैसे मैनेज करते हो। और ये तो हमें सेट पे भी पूछते हैं लोग। हाँ। सेट पे भी सारे लोग पूछते हैं कैसे मैनेज कैसे करते हो, कैसे करते हो, हर दिन तुम्हारा ब्लॉग आता है, हर दूसरे दिन तुम लोग अपडेट करते हो, तो गाइस ये बहुत मुश्किल होता है, मतलब इसके लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। आज ये थोड़ी सी फ्री थी और मेरा तो बैकअप हो गया, पर मैं रुका हूँ ताकि हम व्लॉग शूट कर सकें, और ये व्लॉग हम घर यहाँ पे इसलिए शूट कर रहे हैं क्योंकि घर पे इसका बैकअप बहुत लेट होता है, और जाके बहुत लेट होता है, और जाके लिटरली मेरे अंदर बिल्कुल भी इतना भी नहीं, मुझसे बैठा भी नहीं जाता, मुझे ऐसा होता है कि बस मैं फटाफट से चेंज करके और सो जाऊं, मुझे चेंज करके सोने जाऊं, चेंज करके स्किन अपना स्किन केयर रूटीन करके फिर शावर लेके अच्छे से ब्रश ब्रश करके फिर सोते, जो इसका 2-3 घंटे का काम है, और बाद में तारीफ कर रहा हूँ यार, और बाद में नीचे जाके भागती भी है कि इसका पेट तो नहीं निकल रहा, जो कि निकल ही रहा है, पर क्या हाँ
तो बहुत मुश्किल है, पर हम दोनों मैनेज करते हैं कुछ ना कुछ। हाँ मैनेज करते हैं, और कभी कभी तो इसका किसी दिन शूट नहीं होता तो मैं इसको कहती हूँ कि तुम अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, पर ये इधर पर आ जाता है ब्लॉग शूट करने क्योंकि एकदम से इसके बैक में बहुत पेन होने लगती है, फिर इसके आगे वाले दो तीन दिन पूरे खराब हो जाते हैं क्योंकि इसको पेन होते रहती है तो, लेकिन फिर भी ये करता है हमारे ब्लॉग के लिए तो करता है। तो हम इतनी मेहनत करते हैं, बिल्कुल भी नहीं है, YouTube बहुत मुश्किल है, हम बहुत मेहनत करते हैं, प्लीज हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया करो यार। हां सब्सक्राइब किया करो और देखा करो हमारे ब्लॉग, ऐसे आप देखते हो अच्छा लगता है हमें। तो लास्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया, ओ भाई कितना, मतलब 10 क्वेश्चन ये होता था फिर कोई अलग होता था, 10 क्वेश्चन ये होता था फिर कोई अलग होता था, इसमें भी और मेरे में भी आई स्वेर यार, मतलब वही क्वेश्चन जो आपको पता ही है, क्या आर यू गाइस डेटिंग, क्या अभिषेक और ईशा रिलेशनशिप में है, क्या इन दोनों की शादी होने वाली है। भाई शी इज जस्ट 17, पहली बात तो आप लोग एज भी पूछते हैं तो शी इज जस्ट 17, और मैं अपनी एज नहीं बताऊंगा, मैं तो इससे ज्यादा छोटा हूं, तो what are you exactly। तो ये क्वेश्चन का यार देखो मैं सच में आंसर देना चाहता हूं, आई स्वेयर मैं तो चाहता हूं, मैं दे दूंगा फिर मत बोलना, सच में दे दूंगा मैं। नहीं लेकिन तुमने कहा था कि मैं नहीं बताऊंगा, नहीं मैं यार देखो पूछ रहे हैं हमें बता देना चाहिए, ऐसे भी तो कभी ना कभी पता चलेगा ही, क्या पता लगना है उसमें, मतलब कि हम डेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो क्या मुझे भी नहीं पता इसका आंसर, तो व्हाट इज द आंसर, आपको पता ही नहीं हम डेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इनको तो बता देते हैं, इनको क्या पता जब हमें ही नहीं पता। तो गाइस मैं तो जा रही हूँ, बाय, आपको अभिषेक बताएगा। ओ भाई और मैंने डिसाइड किया था मैं फट से निकल जाऊंगा, लास्ट टाइम तो मैं निकल गया था, इस बार ये निकल गई, पर गाइस आई स्वेयर, क्या आई स्वेयर मैं बताना चाहता हूँ, पीछे से मेरे को इशारे कर रही, क्या मैंने नहीं किया, आई स्वेयर मैं बताना चाहता हूँ पर थोड़ी और वेट कर लो फिर बताते हैं, और थैंक यू सो मच हमारा देखने के लिए ब्लॉग, और इस ब्लॉग को भी ज्यादा से ज्यादा प्यार दो और लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर, अभिषेक बाय।